गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं आगे का हमारा टॉपिक पैराग्राफ टैग। हमने पैराग्राफ टैग यहाँ पे कल छोड़ा था पैराग्राफ टैब पे, और कुछ एक पुराना रिवीजन भी करेंगे। पुराना रिवीजन इन द सेंस कुछ टैग मैंने बताए थे, उस टैग को दोबारा से मैं एक प्रोग्राम आपके सामने रन करके बताऊंगा। उस प्रोग्राम को देखते हुए आप समझेंगे कि इसको कैसे यूज करना है, राइट? तो आगे शुरू करते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग इन द सेंस, आप यदि कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ लिखने के लिए किस टैग का यूज करते हैं? पी टैग का यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन कॉम्प्रेंड दैट एनी टेक्स्ट विच कंटेन मोर देन वन लाइन शुड बी रिटर्न इन ए न्यू पैराग्राफ। आपको यदि जो आपकी नंबर ऑफ लाइन्स यदि ज़्यादा हैं तो आप किसका यूज करेंगे? पैराग्राफ टैग का यूज करेंगे। इन HTML यूज द पी टैग टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ एंड इट इज ए कंटेनर टैग। डू यू नो अबाउट कंटेनर टैग? कंटेनर टैग मीन्स द टैग मस्ट बी बिगिन विद एंगुलर ब्रैकेट एंड मस्ट बी एंड विद फॉलोड बाई फॉरवर्ड स्लैश, राइट? तो देख लेंगे यहाँ पर, इट मस्ट बी बिगिन विद दिस एंड एंड विद दिस। तो ये कंटेनर। एम्प्टी टैग में क्या होगा? जो टैग सिर्फ स्टार्ट होते हैं वो एम्प्टी टैग होंगे, राइट? तो ये हमारा पैराग्राफ टैग के बारे में हो गया है, ठीक है? इसका प्रैक्टिकल के थ्रू भी हम समझेंगे। इसके आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। ये एक प्रोग्राम बना के दे रखा है, ऐसा ही प्रोग्राम मैं आपको बना के बताऊंगा और उसके आउटपुट भी दिखाऊंगा, राइट? एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये आपको देखना है। देखो इस एक्टिविटी में बता रखा है, इन द टेबल गिवन बिलो राइट डाउन द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड एंड डिस्क्राइब हर एंड हिम विद सम एट्रीब्यूट्स सच एज लॉन्ग हेयर, वेरी थिन, शॉर्ट, फेयर। कुछ एट्रीब्यूट, जैसे एट्रीब्यूट का इन दी सेंस आप समझ सकते हैं फीचर्स। मान लो कोई पर्सन है, उसके हेयर के बारे में आप बताते हो, उसके फेस कट के बारे में आप बताते हो, उसके आईज के बारे में आपके बताते हो, ठीक है? बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज के आप बारे में बताते हो, उसके एट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है उसकी, राइट? तो ऐसे ही हमारे टैग की भी क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। प्रॉपर्टी जैसे किसी पर्सन की एक प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी होती है, उन्हीं को एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो देख लेंगे इसकी डेफिनेशन एक बार। एट्रीब्यूट्स आर इन अबो एग्जांपल प्रोवाइड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फ्रेंड। ऊपर की जो एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी दे रखी है, इसमें आप क्या करेंगे? प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फ्रेंड। सिमिलरली एट्रीब्यूट्स इन HTML आर द प्रॉपर्टी ऑफ टैग। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? HTML के अंदर प्रॉपर्टी ऑफ ए टैग, राइट? फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, अलाइन द एट्रीब्यूट यूज इज यूज टू मूव द टेक्स्ट टू लेफ्ट एंड विच प्रोवाइड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। जैसे आपको कोई टेक्स्ट है वो राइट करना है, लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, ये उसके एट्रीब्यूट हो जाते हैं। द एलिमेंट पी विच इज यूज टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ, राइट? तो अब देखेंगे, आगे डिस्कस कर लेते हैं। द एट्रीब्यूट्स ऑलवेज अपीयर इनसाइड द ओपनिंग टैग एंड देयर वैल्यू इनसाइड कोटेशन मार्क्स। ए टैग कैन हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट आल्सो। एक टैग के एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। लिखने का तरीका हम नीचे देखेंगे कैसे लिखते हैं, राइट? क्या लिख रखा है? एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज इनसाइड द ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग में लिखना है, क्लोजिंग टैग में नहीं लिखना है। इट मीन्स आप देखेंगे एग्जाम्पल में पी टैग जो हमने लिख रखा है, पी अलाइन लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट का मतलब जो लिखा हुआ है दिस पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन, मतलब ये जो टेक्स्ट है लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। अलाइन राइट, ये टेक्स्ट है जो दिस पैराग्राफ इज राइट अलाइन, ये राइट में लिखा जाएगा। और नीचे वाला एट्रीब्यूट क्या है? सेंटर, ये सेंटर में लिखा जाएगा। इट मीन्स आपको ओपनिंग ट्रैग, ओपनिंग जो टैग होगा उसी के अंदर एट्रीब्यूट को लिखना है, क्लोज जो क्लोज्ड टैग होगा उसके अंदर नहीं लिखना है, राइट? ये आपको ध्यान रखना है, ये लिखने का तरीका है। देखेंगे, ऑल द एट्रीब्यूट्स आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, नेम एंड वैल्यू। पहली क्या होती है? नेम एंड वैल्यू। एट्रीब्यूट्स जैसे आप देखेंगे यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, ये अलाइन। अलाइन क्या है? एट्रीब्यूट नेम। और ये लेफ्ट क्या है? एट्रीब्यूट वैल्यू।
ये क्या है वैल्यू है, ये क्या है आपका नेम, आपको ध्यान रखना है, ये आपकी लिखा हुआ है बुक के अंदर। दे ऑल द एट्रीब्यूट्स आर मेड ऑफ टू पार्ट, नेम इज द प्रॉपर्टी वी वांट टू सेट। फॉर एग्जाम्पल द पैराग्राफ पी एलिमेंट इन ए प्रीवियस एग्जाम्पल कैरीज एन एट्रीब्यूट हुज नेम इज अलाइंग। एट्रीब्यूट का नेम क्या हो गया अलाइन, विच वी कैन यूज टू इंडिकेट द अलाइनमेंट ऑफ ए पैराग्राफ ऑन ए पेज। वैल्यू क्या हो गया, द वैल्यू इज वट यू वॉन्ट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज सेट टू बी सेट एंड इज ऑलवेज प्लेस्ड सेम विद इन द कोटेशन। कोटेशन मार्क में डालना, ये जो डबल कोट्स नजर आ रहे हैं ना, ये डबल कोट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कोटेशन मार्क्स होते हैं। ये जो डबल कोट्स नजर आ रहे हैं ये क्या होते हैं आपके कोटेशन मार्क होते हैं, डबल कोट बोलते हैं इसको, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका एट्रीब्यूट नेम है और ये एट्रीब्यूट वैल्यू है, राइट। ये हो गया आपका एट्रीब्यूट के बारे में, ठीक है। एट्रीब्यूट आप याद रहे, अभी इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, नो डाउट आपको समझ में आ जाएगा। एट्रीब्यूट्स ऑफ द पी पैराग्राफ, पी पैराग्राफ के एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया, जस्टिस। मतलब कोई भी आप टेक्स्ट लिखोगे उसको पेज के लेफ्ट में चाहिए, पेज के राइट में चाहिए, सेंटर या जस्टिफाई चाहिए, राइट। बॉडी एट्रीब्यूट देख लेते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग कौन कौन से होंगे, बिजी कलर और टेक्स्ट कलर। ए स्पेसिफिक बैकग्राउंड कलर ऑफ ए डॉक्यूमेंट एंड स्पेसिफिक कलर ऑफ ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब इतना हम समझ लेते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू कि हमने क्या समझा, राइट। तो आप देखेंगे, और प्रीवियस जो एग्जांपल बताया था हमने, एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी हेड में, जो हमने हेडिंग लिखा था उसके अंदर, तो हेडिंग का भी एग्जांपल हम इसके अंदर ऐड करेंगे, राइट। अब ध्यान देंगे, मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, आपको पता है कि कोडिंग के लिए हम क्या करेंगे, नोटपैड का यूज करते हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले नोटपैड को ओपन करता हूँ, मैंने टाइप किया नोटपैड और नोटपैड को मैंने ओपन कर लिया, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कोडिंग करूंगा, क्या करूंगा कोड, तो देखेंगे कोड कैसे करता हूं इसके अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर क्या लिखा है HTML, सबसे पहले लिखा मैंने HTML। आपको पता है कि जो भी स्टार्ट होगा आपका प्रोग्राम वो HTML से ही स्टार्ट होगा, राइट। अब देखेंगे इसके बाद कौन सा टैग आएगा, हेड टैग, कौन सा टैग आएगा हेड, क्योंकि हेड के अंदर सबसे पहले हम पेज का टाइटल देंगे, ठीक है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इनको स्टार्ट कर लो और इनको क्लोज कर लो, ये क्लोज कर लो, और इसके बीच में क्या आएगा, टाइटल, टाइटल। अब ये टाइटल आप दे सकते हो, राइट, मैंने दिया माय फर्स्ट वेब पेज, My first web page, मैंने लिखा my first web page, और title को क्या कर दिया है, मैंने close कर दिया है, ये आप ध्यान रखें। Title भी क्या हो जाएगा आपका, small में लिखो या capital में लिखो, ये आपका depend करता है कैसा आप लिखना चाहते हैं। Spelling ठीक निकली है, title, ठीक है, title। इतना हो गया प्रोग्राम, ये आपको समझ में आ गया, हेड के अंदर हमेशा टाइटल लिखेंगे, बाकी जो भी काम होगा वो आपका बॉडी पार्ट के अंदर होगा, जितना भी काम होता है वो बॉडी पार्ट के अंदर होता है, वो बॉडी पार्ट के अंदर लिखेंगे। अब बॉडी पार्ट पहले मैं आपको सिंपली एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। मैंने एक पैराग्राफ लिखा यहाँ पर, पी पैराग्राफ, मैं यहाँ पर पैराग्राफ पी के अंदर एक टेक्स्ट लेके आता हूँ, देखेंगे मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट कॉपी करता हूँ और वो यहाँ से मैं लेके आता हूँ, राइट, कोई भी टेक्स्ट हो गया हमारा, ताकि हमें थोड़ा टाइम बच जाए। मैंने ये टेक्स्ट ले लिया, राइट, इसको मैं यहां से क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और मैं नोटपैड के अंदर जाऊंगा, इसको पेस्ट करके देखता हूं, पेस्ट हो जाएगा तो नहीं, पेस्ट नहीं हो रहा है, ये वो इमेज बन गई है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरा तरीका यूज ले लेते हैं, वर्ड का यूज ले लेते हैं, वर्ड के अंदर कुछ टाइप होता है, मैं ऑटोमेटिकली वहां से कैप्चर कर लूंगा ताकि टाइम बच जाए टाइप करने में, राइट। तो आपको नहीं करना है ऐसा, आप टाइप भी करके देख सकते हैं।
मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया रेंट फंक्शन, चलो मैं टाइप ही कर देता हूँ। मैं टाइप कर देता हूं यहां पे ए वेब ब्राउजर ब्राउजर इज सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट वेब साइट्स डी वेबसाइट इट डिस्प्लेज इज अकॉर्डिंग टू द एचटीएमएल प्रोग्राम रिटर्न, राइट। मैंने ये टाइप कर दिया पैराग्राफ। अब देखेंगे, अब ये आप देख रहे हैं कि ये आगे चलता जा रहा है, ये आगे इस तरह से चलता जा रहा है ताकि हमें पूरा टेक्स्ट नहीं नजर आ। तो ये नोटपैड का एक फीचर होता है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखेंगे मैंने क्या क्लिक किया। मैंने क्लिक करना है यहाँ पर, देखेंगे मैंने क्लिक करना है फॉर्मेट पे और फॉर्मेट से वर्ड रैप करना है। फॉर्मेट के ऊपर जाके मैंने क्या कर दिया, वर्ड रैप। वर्ड रैप से क्या हो, रैप 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 का मतलब होता है तोड़ना, वर्ड को मैंने तोड़ दिया। यदि मैं वर्ड रैप नहीं करूंगा तो मेरा टेक्स्ट ऐसे नजर आएगा, सीधा चलता जाएगा जब तक एंटर नहीं करूंगा। अब वर्ड रैप में क्या हो गया, ये टेक्स्ट इस बाउंड्री से टकरा के वापस आ गया, ठीक है। अब देखेंगे कि मैं अभी इसको इतना एग्जीक्यूट करता हूँ, फिलहाल मैं इतना एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग को बंद कर देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, बॉडी टैग को बंद कर देते हैं, राइट। और फिर क्या करते हैं, एचटीएमएल टैग को बंद कर देते हैं, क्या करते हैं, एचटीएमएल टैग को बंद कर देते हैं, छोटा बड़ा जैसा लिखना चाहते हो। अब सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल के ऊपर जाएंगे और सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे। जहां पर भी आपको सेव करना है, मान लो मेरे को डेस्कटॉप पे सेव करना है, मैंने प्रोग्राम का नेम लिखा माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट एचटीएमएल लगाना है, विदाउट स्पेस डॉट एचटीएमएल, ये याद रखना, विदाउट स्पेस डॉट एचटीएमएल लगाना और सेव कर देना। अब इसके आउटपुट को चेक करते हैं, इसके आउटपुट को चेक करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आएगी। ये देखेंगे मेरा प्रोग्राम बन के आ गया है और मैं क्या करूंगा इसके ऊपर डबल, मैंने अभी ये क्या किया है, मिनिमाइज किया है, ये मैंने क्या किया, मिनिमाइज। मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ से कट कर दिया, ठीक। अब देखेंगे आगे, मैंने इसको डबल क्लिक किया, अब मेरी आउटपुट चेक करते हैं कि मेरी आउटपुट क्या आई है, राइट। मेरी आउटपुट चेक करेंगे कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है, बॉडी टैग का यूज किया है, पैराग्राफ टैग का यूज किया है, उसकी आउटपुट क्या बनी है। ये इस ब्राउजर में ओपन नहीं हो रहा है, टाइम लेगा, तो मैं दूसरे ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। ओपन विद हो गया है ओपन, गूगल क्रोम में भी ओपन कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, और ये एक नया वेब ब्राउजर है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज, राइट। इसको गूगल क्रोम में भी और ओपन करके देख लेते हैं, किसी भी, हालांकि किसी भी ब्राउजर में ओपन कर लेते कर सकते हैं। आप देखो ये हमारे पास टाइटल यहाँ पे नजर आ रहा है टॉप पे, और जो हमने लिखा था वो पैराग्राफ में यहाँ पे नजर आ रहा है, राइट। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में भी नजर आ रहा है, फर्स्ट वेब पेज और ये पैराग्राफ, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, ये आउटपुट थी हमारी। अब देखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर एडिट कैसे करना है और कैसे यूज करना है। अब देखो वापस से एचटीएमएल कैसे ओपन करेंगे, एचटीएमएल राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद, ओपन विद, अगेन मुझे क्या निकालना है, नोटपैड, मेरा प्रोग्राम, क्योंकि मैंने वहां से तो कट कर दिया, अब कैसे निकालूं मेरा प्रोग्राम। चूज ऐप, आपके पास मिलेगा चूज अनदर प्रोग्राम, और यहां पर करना है क्लिक मोर ऐप, और यहां पर सर्च करना है कि आपको नोटपैड मिलता है, नोटपैड मिल गया, और इसको ओके कर देना है।
तो आप देखेंगे कि आपका कोड ओपन हो जाएगा। कोड ओपन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसके अंदर चेंज करता हूँ। अब आप देखना कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने H1 का यूज़ करता हूँ, H1 हेडिंग, H1 का यूज़ किया हेडिंग। हेडिंग का यूज़ करके बताता हूँ, मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ। जैसे देखेंगे नेम, राइट, या मैंने कोई और लिख दिया रवि, फिर मैंने लिखा क्लास, क्लास 8 सेक्शन सी, राइट। अब मैं हेडिंग को बंद कर देता हूँ, H1 को क्लोज कर देता हूँ, H1 को क्लोज। हेडिंग क्या होती है? हेडिंग से क्या होता है बेटा, ये जो टेक्स्ट होता है, इस टेक्स्ट का साइज जो एवरेज टेक्स्ट होता है, जो कॉमन टेक्स्ट होता है, उससे लार्ज होता है। इसका इफेक्ट देखते हैं, पहले सेव करना है। अब क्या करना है आपको, बार बार सेव सेव एज नहीं करना है, सेव करना है सिर्फ। अब क्या करना है, सेव, सिर्फ ओनली सेव, क्योंकि अभी एक बार फाइल हमको सेव कर चुके हैं। यदि आप एक बार फाइल डॉट एचटीएमएल से सेव कर लेते हो, बार बार सेव एज नहीं करना है, सिर्फ सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव कर दिया, अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं। मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं। ये देखेंगे प्रोग्राम मैंने यहाँ पे निकाल ही रखा है। हालांकि दोबारा क्लिक करके भी, इसी प्रोग्राम के ऊपर दोबारा क्लिक करके भी आप ओपन विद करके, या फिर इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। हालांकि मैंने इसको ओपन किया हुआ है, तो मैं इसको सिर्फ क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। क्या करूँगा, रिफ्रेश। आप देखेंगे मेरे पास लिखा आ गया है नेम, दिस एंड दिस। अब देखेंगे एक चीज़ और, अब इसके अंदर एक चीज़ और देखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ H2 का यूज करके, H2 का नोटपैड निकाला मैंने, H2 का यूज करके दिखाता हूँ। आप देखना H2 का यूज, H2 के H स्मॉल कर दो और कैपिटल कर दो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, राइट। अब देखो मैं दूसरा लिख के बताता हूँ आपको, H2 के लिए नेम मोहित, क्लास 8 सेक्शन सी, और S2 को क्लोज कर देंगे। अब देखेंगे, मैं इसको फिर से सेव करता हूं और आउटपुट चेक करता हूं। आप, मैं अगेन कह रहा हूं कि मैंने यदि क्लोज कर दिया है तो आप दोबारा से इसको ओपन करके देख सकते हैं। राइट क्लिक ओपन विद, क्योंकि इसमें, इस ब्राउजर में टाइम लेता है माइक्रोसॉफ्ट एज में, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं हमेशा के लिए, ऑप चूज ऐप, ओपन विद, चूज ऐप, और यहां पे ये सेलेक्ट किया ऑलवेज, हरदम इसी में ओपन होगा। ओके, अब देखेंगे मैंने इसी में ओपन कर दिया है, ऑलवेज करने के बाद वो हमेशा इसी में ओपन होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं डिफरेंस, आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। इसका साइज एज कंपेरिजन टू दिस स्मॉल है, लार्ज है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें और इसमें, तीनों में अंतर नजर आ रहा है। देखो ये बोल्ड भी है, बोल्ड मतलब क्या होता है कि यदि आपने देखा हो बोल्ड वर्ड के अंदर, देखेंगे बोल्ड का यूज वर्ड वर्ड के अंदर, मैंने बोल्ड का यूज बोल्ड बोल्ड बताया था आपको कैसे बोल्ड का यूज करना है, कि यदि आप बोल्ड को अप्लाई करते हैं, मैंने लिखा जैसे कंप्यूटर और मैंने इसको बोल्ड करना है, तो अभी तो नॉर्मल है जैसा, ये बोल्ड करने से क्या हो जाएगा, गहरे, इसका डार्क हो जाएगा, कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, देख डार्क हो जाता है, अंतर है, यस सेम है। हेडिंग अप्लाई करोगे तो बोल्ड भी अप्लाई होगा और उसका साइज भी इंक्रीज होता है, दोनों चीज होती है, दो चीज होती है। देखो वर्ड के अंदर ये क्या करते हैं हम, यदि हमें फॉन्ट को बोल्ड करना है, मैंने लिखा कंप्यूटर, ठीक है, मुझे फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो मैं साइज यहां से बढ़ा सकता हूं, मुझे बोल्ड करना है वो यहां से। ये दोनों ही चीज आप किससे अप्लाई कर पा रहे हैं, टैग के अंदर, एच हेडिंग टैग से, हेडिंग टैग से, राइट, हेडिंग टैग से अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे हेडिंग सिर्फ हमारे पास कितनी होती है, H6 तक हेडिंग होती है,
H1 सबसे लार्ज होती है, H6 सबसे स्मॉल होती है। देखेंगे मैं यहाँ पे हेडिंग 2, यहाँ पे हेडिंग 6 लिख रहा हूँ, इसके बाद कोई हेडिंग नहीं होती। H6 मैंने लिखा क्लास और फिर सेक्शन। मैंने लिखा यहां पर सी। अब देखेंगे हेडिंग को बंद कर देता हूं, मैंने यहां पर हेडिंग को क्लोज कर दिया H6 को। अब इसकी आउटपुट चेक करेंगे, कंट्रोल प्लस एस दबा के भी सेव कर सकते हैं या आप यहां पर भी जाके सेव कर सकते हैं, सेव करना है। अब आउटपुट चेक करते हैं, हम रिफ्रेश करेंगे पेज को, देखेंगे ये देखो इन तीनों के अंदर अंतर नजर आ रहा है। H1 से लेकर H6 तक आप यूज कर सकते हैं, राइट। अब एट्रीब्यूट का यूज देखो, अब एट्रीब्यूट का यूज देखो, देखो एट्रीब्यूट बताया ना अभी अभी, पैराग्राफ का एट्रीब्यूट बताया ना। अब देखो स्टार्टिंग टैग के अंदर एट्रीब्यूट लिखना है अलाइन, अलाइन लिखा और इसको इक्वल लगाया, डबल कोट्स में हमने लिख दिया इसके अंदर राइट, राइट हमने क्या लिखा राइट, राइट मतलब लेफ्ट एंड जो राइट साइड होती है ना वो, और इसको सेव कर दिया। कंट्रोल प्लस एस से भी सेव कर सकते हो और यहां पर भी जाके सेव कर सकते हो, राइट। अब देखेंगे इससे क्या बेनिफिट होता है, रिफ्रेश करता हूं अगेन पेज को। अब देखेंगे ये जो टेक्स्ट हमारा था वो कहां चला गया, राइट के अंदर। ये क्या कहलाता है एट्रीब्यूट, ये क्या कहलाता है एट्रीब्यूट, ये किसकी वजह से आया, अलाइन राइट की वजह से, राइट अलाइन राइट की वजह से, राइट समझ में आ गया। अब देख धीरे धीरे सीखते चलेंगे और आखिरी में एक बहुत अच्छा वेब पेज डिजाइन करेंगे, राइट। अब देखो यहां पर क्या कर दिया, मैंने लिख दिया सेंटर, मैंने क्या लिख दिया सेंटर, और यहां पर क्या कर दिया मैंने इसको सेव, कंट्रोल प्लस एस दबाया मैंने और इसको रिफ्रेश करता हूं। अब देखो सेंटर में आ गया, राइट। तो इस तरह का समझ में आ गया अलाइन। अब देखो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, सेंटर हो गया। अब देखो एक होता है जस्टिफाई, जस्टिफाई का यूज देखना। मैं यहां से एक पैराग्राफ कॉपी करूंगा और इसके अंदर नोट करूंगा, देखना जस्टिफाई का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझना। मैं यहां से टाइप ना करना पड़े इसी वजह से इसकी हेल्प से एक पैराग्राफ ले रहा हूं। मैंने ये पैराग्राफ यहां से कॉपी कर लिया और मैंने यहां से पैराग्राफ कॉपी कर लिया है और यहां पर मैं इसको लिखने जा रहा हूं। एक और पी पैराग्राफ ले लिया और मैंने यहां पर जो पैराग्राफ अभी अभी लिया था वो यहां पर ले दिया है और पी पैराग्राफ मैंने यहां लगा दिया है, राइट। ये सब जो मैंने वहां से कॉपी किया था यहां पे डाल दिया है बेटा इस पैराग्राफ में। अब देख सकते हैं इस पैराग्राफ में यहां पे स्टार्ट करके यहां पे डाल दिया। अब एक और एट्रीब्यूट है जिसका यूज करके मैं बता रहा हूं, जस्टिफाई। कंट्रोल प्लस एस से मैंने सेव किया है, आप यहां पे भी जाके सेव कर सकते हैं, सेव। और अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं क्या आती है इसकी आउटपुट, रिफ्रेश करूंगा पेज को, देखिए वो टेक्स्ट मेरा कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, ठीक है। अब जस्टिफाई का यूज देखना, जस्टिफाई का यूज देखना बेटा। अब देखो जस्टिफाई का यूज देखना, जस्टिफाई का यूज देखना इसमें, इसमें देखो पहले वर्ड के अंदर जस्टिफाई का यूज देखो, क्या आपको यहां पर नजर आ रहा है, ये जिगजैग नजर आ रहा है, ये सीधी लाइनें नहीं है, बिल्कुल एक पैटर्न नहीं है इसके अंदर, सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है, एक जैसा नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी, कोई लाइन आगे है, कोई लाइन पीछे है, कोई लाइन आगे है, कोई एंडिंग एंडिंग ऑफ लाइन, कोई आगे जा रही है, कोई पीछे जा रही है, ये पैटर्न सही नहीं है। तो इस पैटर्न को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्टिफाई का यूज, एमएस वर्ड में तो आसानी से कर लेते हैं, ये है जस्टिफाई, और क्लिक करते ही आपने देखा सिमेट्री बन गई है। लेकिन हम वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए क्या करें, तो वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए भी हम क्या करेंगे, टैग का यूज करेंगे, कौन सा है, नोटपैड, नोटपैड निकाला और नोटपैड के अंदर कोड तो इसी के अंदर होगा, अलाइन लिखा और फिर क्या कर दिया डबल कोट्स में जस्टिफाई, क्या कर दिया जस्टिफाई, जस्टिफाई, और इसको सेव कर देता हूं। देखो इसमें भी देख लो आउटपुट में, इसकी आउटपुट में देख लो जिगजैग आ रहा है ना। अब देखो इसको लिख दिया जस्टिफाई और सेव कर दो, कंट्रोल प्लस एस से सेव कर रहा हूं बेटा, इसको वर्ड को हटा देता हूं, यहां से क्लोज कर देता हूं। अब यहां पे जाता हूं, अब देखना यहां पे कुछ चेंज आता है तो,
ये देखो बिल्कुल आ गया, स्मैटरी यहां पर भी बन गया, तो जस्टिफाई का मीनिंग समझ में आ गया होगा आई थिंक सो आपको, राइट। यहां पर इसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते, यहां पर कोई चेंज नहीं कर सकते, आपको इसके अंदर चेंज लेके आना है। तो ये आउटपुट है उसकी, ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं उसकी आउटपुट है, और आपको कोई भी चेंज करना है तो नोट पैड के अंदर चेंज करना है। यदि गलती से आपका क्लोज हो जाता है तो आप क्या करोगे, राइट यहां पर क्लिक करके ओपन विद, ओपन विद के बाद या तो यहां पर आ जाएगा नोट पैड, नहीं आएगा तो चूज अनदर प्रोग्राम लिखा होगा या ऐप लिखा होगा, उसके अंदर जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना नोट पैड सेलेक्ट करके उसकी कोडिंग निकाल सकते हैं, कोड निकाल सकते हैं जो आपने किया, राइट। अब देखो ये पैराग्राफ का एट्रीब्यूट समझ में आ गया, राइट लेफ्ट जस्टिफाई। अब देखो एक एट्रीब्यूट हमने और बताया था यहाँ पर, बॉडी का एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट किया था, बॉडी का एट्रीब्यूट। बॉडी के दो एट्रीब्यूट किए हैं हमने यहाँ पर, ध्यान से देखना, बॉडी के एट्रीब्यूट दो हैं, कौन कौन से, बीजी कलर और टेक्स्ट कलर, बीजी। अब देखना बेटा इसका क्या यूज होता है और किस तरह से हम कर पाते हैं इसको यूज, पहले अप्लाई करके बताऊंगा और फिर आपको यूज करके बताऊंगा। तो देखेंगे एट्रीब्यूट, हमारा पैराग्राफ एट्रीब्यूट हमने कर लिया है, और इसके बाद आता है हमारे पास बीजी एट्रीब्यूट, बीजी बॉडी का एट्रीब्यूट, बीजी कलर और टेक्स्ट कलर। देखेंगे ये दोनों चीज अप्लाई करता हूं मैं यहाँ पे, कहां पर, बॉडी के अंदर लगेगी, बॉडी स्टार्टिंग में है तो यहां पर लिखना है बीजी कलर विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस बीजी कलर, और मैंने लिख दिया यहां पर, मैंने लिख दिया यहां पर ब्राउन, और टेक्स्ट कलर कर दिया, टेक्स्ट कलर कर दिया है मैंने, टेक्स्ट लिख दिया है, टेक्स्ट लिख दिया हमने येलो, देखते हैं क्या होता है, राइट। अब देखते हैं इसको सेव करते हैं, कंट्रोल प्लस एस से सेव कर लो या फिर यहां से सेव कर लो, यहां से सेव कर लो, राइट। अब हम देखते हैं इसको सेव कर लिया मैंने, अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं, देखेंगे क्या अफेक्ट नजर आता है, अफेक्ट देखेंगे इसका, अफेक्ट नजर आता है कि नहीं नजर आता है। देखो बीजी कलर से क्या हो गया, बीजी कलर, बीजी बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का कलर कैसा कर दिया हमने, ब्राउन, राइट। ये हल्का, ये थोड़ा रेड टाइप नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और फिर ये कौन सा कलर कर दिया आपका, कर दिया हमने येलो, ठीक है। और यहां से मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा, इसके अंदर मैं डार्क कर देता हूं, इसकी आउटपुट देखते क्या आप चेंज होता है क्या थोड़ा, यस। अब देखेंगे इस तरह से नजर आ रहा है, ये ब्राउजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा कलर लेगा, वो ही कलर अच्छा लग रहा था, ये ब्राउजर के, मैंने ब्राउन लिखा है लेकिन ये थोड़ा रेडिश हो रहा है, तो ये ब्राउजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा कलर वो पिक करता है। ठीक है, तो ये थी हमारा ये आज का प्रोग्राम, ये हमने समझा। तो ये सब आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में करेंगे, पर्सनल मैसेज पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा बताऊंगा। और यही आज हमारा टॉपिक फिनिश होता है आज का, आने वाली वीडियो के अंदर और भी अच्छे से हम सीखेंगे। ओके, तो कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, थैंक यू सो मच।